ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं। जी हाँ, जनता का जनादेश हम लोगों के बीच में आ चुका है। लोकसभा नतीजों को अगर माना जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस बार राजनीति की गलियों में मोदी की दहाड़ गूंजेगी। स्वागत है आपका पॉलिटॉक्स के न्यूज रूम में, मैं वर्षा शर्मा आपके साथ। मेरे साथ अभी मौजूद हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर अवधेश अकोदिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी आपका। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि बीजेपी की प्रचंड जीत का कारण क्या है? देखिए, बीजेपी ने 2014 के चुनाव में जो बहुमत मिला था उनको, उसके बाद जो मोदी ब्रांड को एस्टेब्लिश किया बीजेपी ने एज ए पार्टी और खुद नरेंद्र मोदी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर, उसकी 2019 के चुनाव में परीक्षा थी, तो उसी के बेस पे पूरा बीजेपी ने चुनाव लड़ा, उसी का नरेटिव बनाया बीजेपी ने। और जो जब नरेंद्र मोदी प्रचार करने के लिए जाते थे अलग अलग जगह रैलियों में, तो सब जगह बोलते थे कि आप कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाइए, ये जो आप वोट देंगे सीधा नरेंद्र मोदी को यानी मुझको मिलेगा। ये जो उनकी अपील थी काम करने की, ये लोगों को भाई है, पहला ये कारण मानता हूँ मैं। दूसरा कारण इसमें यह है कि जो बीजेपी ने जो प्रतीक हैं हमारे यहाँ पर बहुत बड़े, एक प्रतीक है राष्ट्र का, राष्ट्रवाद का उभार किया, उस राष्ट्रवाद के उभार को मजबूती मिली सर्जिकल स्ट्राइक से, उस राष्ट्रवाद के उभार को और मजबूती मिली एयर स्ट्राइक से, तो पूरा माहौल इस तरह से बना दिया है कि यदि नरेंद्र मोदी के हाथ में देश की सत्ता रहती है तो देश सुरक्षित है, देश आगे बढ़ेगा, देश के ऊपर आतंकवादी हमले नहीं होंगे, यदि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो ये पूरा जो नैरेटिव बनाया ये लोगों को रास आया अच्छे से, खासतौर पर जो यूथ है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है या जो 35 से 40 तक की एज का भी है, उसको ये बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी या पूरा विपक्ष था, वहाँ पर उनके सामने उनके पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था जो नरेंद्र मोदी के चेहरे का मुकाबला कर सके, क्योंकि चुनाव जब होता है, जब चेहरों में चुनाव बट जाता है, तो एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का चेहरा था, दूसरी तरफ विपक्ष के पास उस मुकाबले का कोई चेहरा नहीं था जो नरेंद्र मोदी को का मुकाबला कर सके। तो ये कारण मोटे मोटी मैं मानता हूँ कि बीजेपी की जीत के यहाँ पर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद हैं शुभम शर्मा, पॉलिटिकल रिपोर्टर पॉलिटॉक्स से। शुभम जी, आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस की दुर्गति की वजह क्या रही है? कांग्रेस की दुर्गति की वजह स्वयं कांग्रेस है, क्योंकि जिस तरह से उसने चुनाव लड़ा, वो ये सोच रही थी कि हम तो बीजेपी को हरा नहीं सकती, दूसरे दलों के भरोसे वो बीजेपी को हराने की सोच रही थी, ये रणनीति तो कभी कारगर ही नहीं साबित हो सकती। कांग्रेस की स्थितियाँ उन राज्यों में भी खराब हुई जहाँ उसने लगभग अभी 6 महीने पहले सत्ता हासिल की, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के परिणाम हमारे सामने हैं। वहाँ पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी बुरी स्थिति हुई, मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट पार्टी जीतने जा रही है, 2014 से भी बुरी स्थितियाँ हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में। राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी एक बार पुनः जीतने जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले बार भी कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, इस बार वो घटकर 1 ही रह जा रही है। उनके दिग्गज नेता सिंधिया परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार रहे हैं, तो ये पूरा सिनेरियो ही बीजेपी ने चेंज कर दिया। वो मोदी का मुकाबला ही नहीं कर पाए, वो मोदी के सामने मुद्दे खड़े नहीं कर पाए, मोदी की जो कमियाँ थी उनको जनता के सामने नहीं पेश कर पाए, उनके सारे नारे फ्लॉप हो गए, चौकीदार चोर को जनता ने नकार दिया, बेरोजगारी के मुद्दे को नकार दिया, और जनता ने राष्ट्रवाद की भावना को एक्सेप्ट किया, मोदी के विकास के मुद्दे को एक्सेप्ट किया और कांग्रेस के सारे मुद्दों को दरकिनार किया। अवधेश जी, एक बात बताइए, इस हार के बाद कांग्रेस खड़ी कैसे होगी वापस? देखिए, कांग्रेस के साथ बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, जैसा 2014 के चुनाव के बाद हुआ था। सवाल उठेंगे सबसे पहले कांग्रेस की लीडरशिप पर। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी लीडरशिप में कांग्रेस लगातार चुनाव हारती चली जा रही है। यदि जो 5 महीने पहले चुनाव हुए थे विधानसभा के, उनमें 3 राज्यों की जीत को छोड़ दिया जाए तो लगभग हर जगह कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की लीडरशिप में हारी है। 2014 में कांग्रेस बुरी तरह से हारी थी, लेकिन उसके कारण बताए गए थे कि 10 साल का शासन था मनमोहन सिंह सरकार का, उसकी एंटी इनकम्बेंसी थी। इसके अलावा 2-3 बड़े आंदोलन हुए, अन्ना हजारे ने आंदोलन किया लोकपाल बिल को लेके, स्वामी रामदेव ने आंदोलन किया काले धन को लेके, इसके अलावा जो निर्भया बलात्कार का
मामला था, उस पर आंदोलन हुआ पूरे देश में। तो ये माना जा रहा था तब कि कांग्रेस के खिलाफ माहौल है और एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था कि किस तरह से मानो ऐसा लग रहा है कि देश में कोई सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। तो उसमें नरेंद्र मोदी आते हैं और उस माहौल में वो छा जाते हैं पूरी तरह से आके। तब माना गया था कि ये नरेंद्र मोदी की जीत नहीं है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट नहीं पड़े हैं, ये जो मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल की उसके खिलाफ वोट पड़े हैं। लेकिन अब तो वो मुद्दा भी नहीं है। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो लगभग वैसा ही है जैसा 2014 के चुनाव में था, 44 सीटें मिली थी, अब ये 50 को मुश्किल से क्रॉस कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो पोस्ट इस बार भी शायद इनको नहीं मिले, क्योंकि उसके लिए 10% सीटें चाहिए, 54-55 सीटें उसके लिए चाहिए। इस स्थिति में कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि कांग्रेस की लीडरशिप अब किसके हाथ में रहेगी, या राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे या राहुल गांधी के अलावा किसी और के बारे में सोचा जाएगा। यदि राहुल गांधी के अलावा किसी को लीडरशिप दी जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर प्रियंका गांधी एक व्यक्ति हो सकती है वहाँ पर, लेकिन उन्हें बनाया जाता है तो बीजेपी फिर से वही मुद्दा खड़ा करेगी कि यहाँ पर परिवारवाद चलता है। कांग्रेस में पहले से पता होता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा, जबकि बीजेपी में पता नहीं होता है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो जिसको भी आप लेके आओगे वो पार्टी को किस तरह से चलाएगा ये समझा जा सकता है। अब कांग्रेस के साथ जो ये तो 5 साल की बात बताई मैंने, अगले 2024 का जो चुनाव होगा उसके लिए कांग्रेस को जो सबसे ज़्यादा मुसीबत झेलनी है वो आने वाले 2-4 महीने में ही झेलनी है। जैसे इनकी जो कर्नाटक की सरकार है उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर है, वहाँ पे विधायक लगातार विद्रोह कर रहे हैं, लगातार विधायक टूट के बीजेपी की खेमे की तरफ जाने लगे हैं। एमपी की सरकार बिल्कुल मुहाने पे खड़ी है, वो कभी भी गिर सकती है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। तो ये जो अलग अलग राज्यों में जहाँ बीजेपी सत्ता में है, जहाँ बिल्कुल किनारे पर खड़ी है, वहाँ की सरकारों से हाथ धोना पड़ सकता है कांग्रेस को। इसके अलावा जो विधानसभा चुनाव होने हैं अब, जैसे हरियाणा में सबसे जल्दी चुनाव है, हरियाणा में जो इनके मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो सकते थे वो खुद बुरी तरह से चुनाव हार गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। उनके बेटे जो रोहतक की सीट मानी जाती थी कि ये तो उनका बिल्कुल परंपरागत गढ़ है, उस पर कांग्रेस हारने की तरफ बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कौन लीडर होगा? जब देखिए कोई भी पार्टी जो होती है वो देशव्यापी रूप से मजबूत तभी बनती है जब उसका अलग अलग स्टेट में परफॉर्मेंस अच्छा हो। कांग्रेस जो पार्टी है उसका स्टेट में परफॉर्मेंस सिकुड़ता जा रहा है, और जहाँ स्टेट में परफॉर्मेंस है भी, जैसे 3 राज्यों में अभी सरकार आई थी, लेकिन 3 राज्यों में जब 5 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं तो पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत बेकार होता है। इसके मुकाबले यदि बीजेपी की तुलना आप करेंगे तो बीजेपी जहाँ पर 5-6% जबकि 10-12% वोट का अंतर कहीं है, जैसे बंगाल में था 16% वोट का अंतर था, वहाँ से वो 16% वोट के मार्जिन को घटा के बिल्कुल करीबी मुकाबले में आ गई है तृणमूल कांग्रेस के। तो ये जब तक सारी चीज़ें नहीं की जाएंगी कांग्रेस का खड़ा होना फिर से बहुत ही मुश्किल मुझे लग रहा है। धन्यवाद शुभम जी। ये बात बताइए कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा दी है, क्या वजह मानते हैं आप इसके बाद? विपक्षी दल अमित शाह पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, चाहे वो तड़ी पार होने के लगाएं चाहे अन्य आरोप लगाएं, लेकिन वो कभी उनकी अच्छी बात को नहीं उठाते हैं। अमित शाह की एक खासियत है कि वो ऐसे राजनेता हैं जो किसी राज्य को लेकर टारगेट सेट करते हैं, उस लक्ष्य को पूरा कर भी दिखाते हैं। ये टारगेट अमित शाह ने 2014 में ही तय कर लिया था, चुनाव के बाद उन्होंने तय कर लिया था कि अब अपनी अगली जमीन पश्चिम बंगाल में तैयार करनी है। प्लान तैयार किया गया, कैलाश विजयवर्गीय को मध्य प्रदेश से बुलाकर प्रभारी बनाकर पश्चिम बंगाल भेजा गया, वो लगातार 5 साल बंगाल रहे, मुद्दों को उठाया, वहाँ के जमीनी मुद्दों को उठाया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और वाम को तो बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, वाल चुनाव नतीजे साबित कर रहे हैं कि वाम और कांग्रेस का वोट तो बीजेपी की तरफ आया और उनका सूपड़ा साफ हो गया। इस बीजेपी के इस प्रदर्शन में कुछ ना कुछ फ़ायदा ममता बनर्जी की नीतियों ने भी पहुंचाया, चाहे नीति उनकी तुष्टिकरण की रही हो, चाहे उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हो, कमलेश तिवारी का चाहे मालदा प्रकरण रहा हो जिसमें जबरदस्त हिंसा होने के बावजूद ममता बनर्जी ने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ठोस कदम नहीं उठाए, मिदनापुर का दंगा हो, बीजेपी ने इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह उठाया। इस चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से कई बार हिंसा की खबरें आई और प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को चुनाव में अच्छी तरह उठाया, जनता के बीच ये समझाया कि बंगाल के लिए बीजेपी जरूरी है। ममता बनर्जी भी वामपंथियों की तरह करने लगी है आपके साथ, और इन्हीं मुद्दों के कारण बीजेपी इस राज्य में इतना अच्छा प्रदर्शन कर पाई। अवधेश जी, गठबंधन के बारे में तो हम सभी ने सुना है,
यूपी में गठबंधन के बावजूद भी बीजेपी कैसे जीत गई? देखिए वर्षा जी, यूपी में लोकसभा चुनाव के शुरू होने से पहले ये चर्चा थी कि यदि विपक्ष मिल जाता है, सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल मिल जाते हैं आपस में, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये पूरा जो नरेटिव खड़ा हुआ, इसका मूल कारण था जो बाई इलेक्शन हुए थे वहाँ पर, कैराना, फूलपुर और गोरखपुर में। तीनों जगह एक जॉइंट कैंडिडेट था इन तीनों पार्टियों का, तीनों का नहीं बल्कि तो कांग्रेस भी साथ थी इनके। तो उसमें यह था कि यदि ये दल मिल जाते हैं तो बीजेपी को यूपी में हराना बहुत आसान काम है, जैसा कि वहाँ पर उपचुनाव में हुआ था, तीनों सीटें बीजेपी वहाँ पर हार गई थी। लेकिन अपने को ये सोचना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स होती है वो मैथमेटिक्स नहीं होती है। यहाँ पर वन प्लस वन टू नहीं होता है। यदि आप वोट शेयर जोड़ोगे सपा बसपा और आरएलडी का, तो वो बीजेपी से ज़्यादा आएगा ज़्यादातर सीटों पर। लेकिन मैथमेटिक्स नहीं होती है, जैसा मैंने पहले कहा, वो एक केमिस्ट्री होती है। इस केमिस्ट्री को बनाया बीजेपी ने वहाँ पर। देखिए, जो मायावती का पूरा जो जनाधार है वो जाटा वोटों पर है, समाजवादी पार्टी का पूरा जो जनाधार है वो यादव वोटों पर है। इसमें यदि जुड़ जाते हैं मुस्लिम वोट तो वो पार्टी वहाँ पर आगे निकल जाती है। तो तीन कास्ट का वहाँ पर एक इक्वेशन बन जाता है। तो जो महागठबंधन हुआ वो इन तीन जो ये तबके हैं समाज के, इनका एक जॉइंट एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं इसमें कि जो दलित हैं उसमें जाटव के अलावा बहुत सारी जातियाँ हैं और उनका परसेंटेज ज़्यादा है जाटवों से। ओबीसी में यादवों के अलावा बहुत सारी जातियाँ हैं, उनका परसेंटेज भी यादवों से ज़्यादा है। मुस्लिम बीजेपी के फोकस में कभी नहीं रहते हैं, तो उनको वो छोड़ देते हैं। तो जो अदर देन यादव ओबीसी है और अदर देन जाटव एससी है, उसको पूरा लामबंद किया बीजेपी ने। उसके लिए रणनीति बनाई, उसके लिए इन्होंने नेता ढूंढे किसको मैदान में उतारा जाए, उसके लिए इन्होंने जातिगत सम्मेलन किए वहाँ पर और लगातार उन जातियों को जोड़ा वहाँ पर। क्योंकि यूपी में बड़ी दिक्कत है एससी और ओबीसी के साथ। ओबीसी मतलब यादव, यादवों के अलावा जितनी भी जातियाँ हैं उनकी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी वहाँ पर नहीं है। एससी में जाटवों के अलावा किसी भी जाति की पॉलिटिकल आइडेंटिटी वहाँ पर नहीं है। तो इनको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी बीजेपी ने दी, इस सामाजिक समीकरण को साधा। और बीजेपी ने जब से इनका गठबंधन हुआ, बल्कि उससे पहले से जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें हारने के बाद से ही बीजेपी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि किसी भी सूरत में हमको 50% से ज़्यादा वोट शेयर हासिल करना है। तो उसी हिसाब से सारे समीकरण बनाए, उसी हिसाब से योजना बनाई, उसको ज़मीन पर उतारा, कैंडिडेट उतारे और चुनाव प्रचार किया। तो अब यदि आप वोट शेयर देखोगे बीजेपी का, तो 50% को क्रॉस कर रहा है या उसके आसपास है। शुभम, आपका पॉलिटिकल ज्ञान क्या कहता है इस बारे में कि इस जीत के बाद बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? बीजेपी की आगे रणनीति अब आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर होगी। आने वाले इसी साल के अंत में महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हैं, और इन चुनावी नतीजों को तो देखकर ये लगता है कि बीजेपी इन विधानसभा चुनावों को भी आराम से जीत जाएगी। क्योंकि हरियाणा की तो 10 से 10 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। वहाँ तो 35 बनाम 1 का बीजेपी का समीकरण काम कर गया है और मोदी लहर पर बीजेपी के सारे प्रत्याशी सवार हैं। हरियाणा की स्थिति मैं आपको बताऊं कि लगभग 5 प्रत्याशी तो ऐसे थे जिनका क्षेत्र में विरोध था, लोगों ने उनको उनके क्षेत्रों में प्रचार तक नहीं करने दिया। इसके उदाहरण आपके फरीदाबाद के उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर, अंबाला के उम्मीदवार रतनलाल कटारिया, इनको लोगों ने क्षेत्र तक नहीं घुसने दिया। लेकिन आप उनके जीत हार का अंतर देखेंगे तो लगभग 3 लाख से अधिक मतों से वो जीत रहे हैं। तो बीजेपी इतनी मजबूत है, उनका 35 बनाम 1 का समीकरण इतना मजबूत है कि मुझे लगता नहीं कि ये विधानसभा चुनाव में दारा सही होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के लिए पहले ही परेशानी का सबब है कि वो बीजेपी और शिवसेना की टक्कर में नहीं आ पा रहे, और वहाँ पर तो एक बीजेपी कांग्रेस और एनसीपी की समस्या असदुद्दीन ओवैसी ने बढ़ा रखी है। वो वहाँ पर लगभग पिछले 5 साल से लगातार हर चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे चुनाव नगर निकाय का हो, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का। उन एनसीपी और कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट था उसमें ओवैसी की पार्टी जबरदस्त सेंधमारी कर दी है। ओवैसी के आने से ये होता है कि मुस्लिम वोट ओवैसी की तरफ लामबंद होता है, तो सारे हिंदू वोट तमाम मुद्दे भूलकर बीजेपी के पक्ष में लामबंद होने लग जाते हैं। इसका सीधा नुकसान कांग्रेस और एनसीपी को होता है। इस न्यूज़ रिपोर्ट में हमने जनता के जनादेश की चर्चा की। आगे भी इसी प्रकार की खबरों के लिए जुड़े रहिए पॉलीटॉक्स। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलीटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।